देता है और इनका रिकॉर्ड रखना भी जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी कस्टमर्स का क्योंकि इनको हमें इनकी सर्विसेज और गुड्स के अवस पैसे वापस करने होते हैं इनके भी हम पूरा रिकॉर्ड जो हम रखते हैं जैसे कि आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा उसमें इनकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन एड्रेसेस और दीगर इन्फॉर्मेशन जो कि हमें किसी भी वेंडर को पेमेंट करने के लिए चाहिए होगी वो सारी की सारी हम इधर रिकॉर्ड कर लेते हैं वेंडर सेंटर वो जगह है जहां आपको हर वेंडर की तमाम इन्फॉर्मेशन नज़र आती है आप लिस्ट में से चूज़ करें और इन्फॉर्मेशन पेन में उसकी तमाम डिटेलें देख लें तमाम डिटेलों से मकसद सिर्फ और सिर्फ उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है बल्कि उसके साथ हमारी जितनी भी लेन देन हुई है तमाम ट्रांज़ेक्शन्स इसके अंदर रिकॉर्डेड होती हैं उस ट्रांज़ेक्शन्स को हम जिस तरह चाहें फिल्टर करके देख सकते हैं इसको पूरे वेंडर सेंटर को हमें उस तरीके से कस्टमाइज करना चाहिए जो हमारे लिए इस्तेमाल करने में आसान हो शुरू से मैं जिस बात पे हमेशा से एम्फोसाइज करता चला आया हूँ वो यही है कि आपका इन्वायरमेंट ऐसा हो कि आपको बार बार मुख्तलि मेन्यू आइटम खोल के काम करने की ज़रूरत ना पड़े एवरी थिंग शुड बी नियर यू जिस तरह से कोई भी स्किल्ड वर्कर जब काम करने बैठता है तो अपने सारे औज़ार और टूल्स अपने पास रखता है ताकि उसे बार बार उठ के ना जाना पड़े इसी तरह आपके पास वेंडर सेंटर वो जगह है जहाँ बैठ के वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ आप अपने वेंडर को हैंडल कर सकें उसकी ट्रांज़ेक्शन्स देख सकें और उसकी तमाम वो इंफॉर्मेशन जो आप एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देखना चाहें वो आपके पास क्लिक ऑफ अ बटन से मौजूद हो आइए देखते हैं क्विक बुक्स में हम किस तरह से इस इन्वायरमेंट को सेट कर आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे सामने होम पेज खुला हुआ है और होम पेज में जब भी आपने वेंडर सेंटर में जाना है मैंने आपको बताया था कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं यू कैन आई क्लिक ऑन वेंडर्स और गो डायरेक्टली टू वेंडर्स एंड देन क्लिक ऑन वेंडर सेंटर विच एवर वे यू चूज़ आर गोइंग टू कम इन टू यर वेंडर सेंटर और आपको जैसे पहले ही पता है मैंने आपको बताया था कि हमारा पूरा इन्वायरमेंट क्विक बुक्स का हम आह गए हमारे विंडोज़ इन्वायरमेंट में जिस तरह से आप विंडोज़ एक्सप्लोर में देख सकते हैं कि आपके पास एक लिस्ट है और जिस लिस्ट के जिस आइटम को आप सिलेक्ट कर सकें उसकी डिटेल आपको राइट हैंड साइड पर नज़र आती है बिल्कुल उसी तरह यहाँ आपके पास एक विंडर्स की लिस्ट है और जिस वेंडर को भी हम क्लिक करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपके राइट हैंड इंफॉर्मेशन पेन पे खुलती चली जाएगी और इसी तरह से हम इन दोनों अलग अलग सेक्शंस को अपने मुताबिकत से इसको हम इन्वायरमेंट इसका सेट कर सकते हैं और इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं आइए पहले हम देखते हैं कि हम जो इसकी लिस्ट पेन है उसको कैसे कस्टमाइज़ करें कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने मौजूद हो जो आप सबसे ज्यादा देखते हैं जो बार बार चेक करते हैं इसके लिए हम इस लिस्ट पे कहीं भी क्लिक करें ऑल यू हैव टू डू इज राइट क्लिक जैसे ही आप राइट right क्लिक करेंगे ये मेन्यू आपके सामने पॉपअप हो जाएगा और इसमें हमने करना है कस्टमाइज कॉलम्स ऑल कॉलम्स अवेलेबल इन क्विक बुक्स आर लिस्टेड ओवर हियर वी हैव टू चूज द कॉलम विच वी रिक्वायर अब आपने देखना ये है कि वो कौन सा कॉलम है जो आप यहाँ डालना चाहते हैं हम जो ऐड करना चाह रहे हैं वो है अकाउंट नंबर अकाउंट नंबर किसका अपने वेंडर का अकाउंट नंबर को आपने सेलेक्ट किया ऑल यू हैव टू डू इस ऐड जैसे ही आप ऐड करेंगे ये कॉलम आपको इन कॉलम की लिस्ट में नज़र आना शुरू हो जाएगा और जैसे ही आप इसको ओके क्लिक करेंगे नाउ दैट कॉलम इज़ विजिबल टू यू कैसे ऑल यू हैव टू डू इज़ इसको ड्रैग करें थोड़ा अब आपके पास जो जो अकाउंट नंबर मौजूद हैं वो आपको लिस्टेड नज़र आ रहे हैं एक चीज़ और याद रखें अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इंफॉमेशन और फील्ड्स लिस्टेड हैं और हम इसे फुल स्क्रीन देखना चाहें तो हमारे पास ये एरो का बटन मौजूद है जैसे आप उसके ऊपर लेकर लिखा है शो फुल लिस्ट अब आपके पास लिस्ट में जितनी इंफॉर्मेशन है एवरी थिंग इज़ नाउ विजिबल टू यू और अगर इसे आपने छोटा करना है ऑल यू हैव टू डू इज़ शो लिस्ट इन डिटेल्स आप इसे क्लिक करें और आपको सिर्फ़ वो चीज़ें नज़र आएंगी जो आप देखना चाहें इसमें से अगर आप कोई कॉलम निकालना चाहें तो वो भी उतनी ही आसान है ऑल यू हैव टू डू इज अगेन राइट क्लिक एनी वेयर ऑन योर लिस्ट कोई हमें पर्टिकुलर कस्टमर या वेंडर चूज करके उसे क्लिक नहीं करना यू कैन क्लिक वेर एवे यू वॉन्ट टू वंस अगेन कस्टमाइज कॉलम अब हम यहाँ अटैच जो एक कॉलम है जो पहले से यहाँ मौजूद था उसे हमें रिमूव करना है। सेलेक्ट अटैच और पुश रिमूव दैट कॉलम हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम योर चूज इन कॉलम लिस्ट ये देखिए इस इन कॉलम लिस्ट में से अब अटैच वाला फील्ड हट गया है क्लिक ओके okay. अब आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद है एक्सेप्ट फॉर दैट अटैच कॉलम तीन जो हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले फील्ड्स हैं वो हमें साफ़ नज़र आ रहे हैं नेम बैलेंस एंड अकाउंट नंबर इसी तरह हम अपना राइट हैंड साइड ऑफ यर स्क्रीन जो कि एक इंफॉर्मेशन पेन है उधर भी हम एज़ रिक्वायर्ड चीज़ें सेट कर सकते हैं सेट करने का तरीका ये है कि आप यहाँ आएँ और ये देखते जाएँ कि आप ये इंफॉर्मेशन कहाँ रखना चाह रहे हैं जहाँ भी आप बढ़ाना चाह रहे हैं आपने कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये एक ही वेंडर की इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है जो यहाँ सेलेक्टेड है ऑल यू हैव टू डू इज वंस अगेन राइट क्लिक और गो टू कस्टमाइज कॉलम उस कस्टमाइज कॉलम में और इस कस्टमाइज कॉलम में फ़र्क क्या है वो कस्टमाइज कॉलम उस लिस्ट के लिए था ये कस्टमाइज कॉलम इस इंफॉर्मेशन पेन के लिए है और उस कस्टमाइज़ कॉलम का अफेक्ट तमाम जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उन तमाम के ऊपर हुआ है इसका अफेक्ट उस कस्टमर के ऊपर होगा जो आप चूज़ कर रहे हैं ये वो कॉलम है चूजन जो हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं अगर हम इसके अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन यहाँ रखना चाहें मिसाल के तौर पे ड्यू डेट, वी कैन सिंपली ऐड ड्यू डेट टू आर चूजन कॉलम्स जैसे ही आप चूजन कॉलम को क्लिक करेंगे ऐड करेंगे वो चीज़ चूज इन कॉलम के अंडर लिस्ट हो जाएगी ओके okay करें और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये तमाम कॉलम जो लिस्टेड हैं वो वो हैं जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं और उसमें ड्यू डेट का कॉलम नज़र आ रहा है जो हमने अभी अभी सिलेक्ट किया है हम ये भी कर सकते हैं कि कोई ऐसा कॉलम जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो यहाँ से रिमूव कर दें याद रहे ये सारी एक्सरसाइज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम वो इन्वायरमेंट अपने सामने रखें जिसमें हम अपने वेंडर को और उसकी इन्फॉर्मेशन को उस तरीक़े से देख सकें जो हम सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं हम ये देखना चाहते हैं कि कितने इसके बिल्स पेबल हमारे पास हैं हमें बिल पेबल के लिस्ट आनी चाहिए हम देखना चाहते हैं इसको हमने कितने पैसे देने हैं तो अमाउंट पेबल आना चाहिए अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इसका बैंक अकाउंट कहाँ है तो हमें इसका अकाउंट नंबर और बैंक आना चाहिए जो जो इंफॉमेसन हम देखना चाहेंगे हम कस्टमाइज़ करके विंडो सेंटर में उसको सेट कर देंगे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये आपके लिए सेटिंग हो रही हो कोई भी यूज़र मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में जो वेंडर से इंटरेक्ट करता है उसकी वेंडर सेंटर की सेटिंग करना और सेटिंग करके उसे देना एक एडमिन का काम है जो ये सारी सेटिंग करके उसके सामने रखता है ताकि उसे बार बार चीज़ें चेक करने के लिए देखने के लिए कहीं और नेविगेट ना करना पड़े ठीक है जी आइए इसमें से हम एक फील्ड निकाल के देखते हैं वंस अगेन ऑल यू हैव टू डू इज इसड योर इन्फॉर्मेशन पेन जस्ट राइट क्लिक जैसे ही आप राइट right क्लिक करेंगे पॉपअप आएगा उसमें आपने चूज करना है कस्टमाइज कॉलम और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने यहाँ चेक करते जाना है कि कौन सा हमने इंफॉर्मेशन रखनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन निकालनी है यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ अकाउंट नंबर पहले से मौजूद है क्योंकि हमने अकाउंट नंबर अब लिस्ट में ले आए हैं तो हमें यहां देखने की उसको ज़रूरत नहीं है दैट्स वाई वी आर गोइंग टू रिमूव दिस ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन रिमूव एंड दैट कॉलम इज रिमूव फ्रॉम योर चूज इन कॉलम्स ठीक है जी चूज इन कॉलम की लिस्ट में से वो आउट हो गया है और बाहर हो गया है ओके जैसे ही आप ओके करेंगे आपने वो इफेक्ट देखा कि आपकी इंफॉर्मेशन पेन से एक कॉलम गायब हो गया दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कस्टमाइज आर वेंडर सेंटर फॉर यूज़ बाय अस एंड बाय अदर्स यूजर्स एज वेल हमारी कोशिश क्या होती है हमारी कोशिश ये होती है कि जितनी आसानी से हम इंफॉर्मेशन एक ही स्क्रीन पे देख सकें हम कोशिश करेंगे कि वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ मौजूद हो जिस तरह से एक पेज की रिपोर्ट पढ़ना उतना आसान है ग्राफिक्स के साथ जितना कि एक पूरा का पूरा दस पेज का नेगेटिव एक्सप्लनेशन सो दैट इज़ वाई आर एम्फिस ऑलवेज टू सेटअप एन एनवायरमेंट वेयर यूजर्स कैन यूज़ दिसटम ईजली एंड इंटरेक्ट विद क्विक बुक्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम एज ईजली एज दे शुड इन एनी गि इन्वायरमेंट ठीक है जी हमारी कोशिश ये है कि बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्ट आप कर सकें आसानी के साथ अपनी एनवायरमेंट से इन्वायरमेंट काइंडली पहले जरूर सेटअप कर लें दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू